दोस्तों आज मैं आपको रैम के बारे में बताने वाला हूँ। रैम हमारे कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। रैम के नाम में मेमोरी है, तो दोस्तों रैम एक टाइप की मेमोरी ही है। दोस्तों हमारे कंप्यूटर में जनरली दो टाइप की मेमोरी होती है, एक हार्ड डिस्क और दूसरी रैम। हार्ड डिस्क हमारी बड़ी वाली मेमोरी है और रैम दोस्तों हमारी छोटी वाली मेमोरी है। अब दोस्तों समझो हमें हमारे कंप्यूटर में कोई मूवी देखनी है तो वो मूवी हमारी हार्ड डिस्क में पड़ी होगी और हार्ड डिस्क में से सबसे पहले वो रैम में जाएगी। रैम में टेम्पली स्टोर होगी और उसमें से दोस्तों वो नॉर्थ ब्रिज और प्रोसेसर में जाएगी। बाद में दोस्तों ये मूवी का आउटपुट निकलेगा और हमें हमारे डिस्प्ले पर दिखेगा। दोस्तों अब मूवी की तरह कोई भी फाइल हो या हमारा हार्ड डिस्क में इंस्टॉल किया हुआ प्रोग्राम हो, वो जब हम ओपन करते हैं तो वो सबसे पहले हमारी हार्ड डिस्क में से रैम में जाएगा और रैम में से प्रोसेसर और नॉर्थ ब्रिज में जाएगा और बाद में वो VGA पोर्ट में से आउटपुट निकल के हमें हमारी डिस्प्ले पर दिखेगा। इस तरह से दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है और हमारी हार्ड डिस्क एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। अब दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली रैम दिखाऊंगा और डेस्कटॉप कंप्यूटर में जनरली 4 टाइप की रैम होती है। अब दोस्तों मैं आपको रैम प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ये रही देखो दोस्तों रैम, वाह, ये सारी की सारी डेस्कटॉप की रैम है दोस्तों। अब मैं बताऊंगा ये कौन कौन से टाइप की रैम है। ये देखो दोस्तों, ये SSD रैम है, ये बहुत पुरानी रैम है, और ये SSD रैम है, ये DDR1 रैम है दोस्तों, ये DDR2 रैम है, ये DDR3 रैम है दोस्तों। यहाँ पर DDR का मतलब डबल डेटा रेट ऐसा है। अब दोस्तों ये जो रैम है डेस्कटॉप की, अब हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये रैम SSD रैम है या DDR1 रैम है या DDR2 रैम है या DDR3 रैम है। तो इसके लिए दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा। ये रही दोस्तों SSD रैम। इस रैम में देखो दोस्तों यहाँ पे 2 नोच बने हुए हैं। देखो दोस्तों आप ध्यान से देखो, 2 कट बने हुए हैं, ये 1 कट और दूसरा ये कट। इससे अब हम पहचान सकते हैं कि ये SSD रैम है। और इसमें दोस्तों ये जो IC है ये डीप IC है दोस्तों, तो ये देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि ये SSD रैम है। और यहाँ पे दोस्तों जो टोटल पिन है 1 से लेकर 168 तक है, तो इस पिन की मदद से भी अब हम पहचान सकते हैं कि ये दोस्तों SSD रैम है और ये बहुत पुरानी रैम है। अब ये मार्केट में नहीं मिलती और चलती भी नहीं। ये P3 कंप्यूटर आते थे, पुराने कंप्यूटर, इसमें यूज होती थी, लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो इस ग्राफ में दोस्तों ये SSD रैम की फिगर है, यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ दोस्तों। और ये रैम दोस्तों 3.3 वाट पर ऑपरेट होती है। अब देखो दोस्तों ये DDR1 रैम है, यहाँ पर ये सिंगल कट ही बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जो IC है वो भी डीप IC है, लेकिन यहाँ पे जो पिन है वो 1 से लेकर 184 तक है। तो इस पिन की मदद से भी अब हम पहचान सकते हैं कि ये DDR1 रैम है। DDR1 रैम में जो कट बना हुआ है वो बीच में से थोड़ा सा राइट साइड में है दोस्तों। ये रहा कट, बीच में से थोड़ा सा राइट साइड में है। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं रख के बताता हूँ। तो देखो दोस्तों ये DDR1 की फिगर है, यहाँ पे जो कट है देखो दोस्तों यहाँ पे वो ये जो मिडल वाली लाइन है उसमें से थोड़ा सा राइट साइड में है दोस्तों। तो इससे भी अब हम पहचान सकते हैं कि ये DDR1 रैम है। ये DDR1 रैम दोस्तों 2.5 वाट पर ऑपरेट होती है। अब देखो दोस्तों ये DDR2 रैम है और यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों 256 MB की DDR2 रैम, ऐसा लिखा भी है, कई रैम पर लिखा होता है दोस्तों। और इसका जो कट है वो बीच में से थोड़ा सा राइट साइड में है और यहाँ पे जो IC है वो बॉल IC है दोस्तों। यहाँ पे ये डीप IC नहीं है, ये बॉल IC है। और इसका जो पिन है, टोटल पिन है, वो 1 से लेकर 240 तक है दोस्तों। यहाँ पे 240 लिखा हुआ है। तो ये पिन की मदद से भी आप जान सकते हैं कि ये DDR2 रैम है। और ये रैम दोस्तों 1.8 वाट पर ऑपरेट होती है। तो ये मैं DDR2 रैम के फिगर में रख देता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो मिडल वाली फिगर है, मिडल वाली लाइन है, इससे थोड़ा सा राइट साइड में ये DDR2 रैम का कट है।
इससे भी अब आप पहचान सकते हैं कि ये डीडीआर 2 रैम है और ये रैम 1.8 वाट पर दोस्तों ऑपरेट होती है। ये दोस्तों डीडीआर 3 रैम है और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों ये 4GB की डीडीआर 3 रैम है और यहाँ पे जो कट बना हुआ है दोस्तों वो मिडल में से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है और ये रैम दोस्तों 1.5 वाट पर ऑपरेट करती है और यहाँ पे जो पिन आउट है टोटल पिन है वो 1 से लेकर 240 तक है। डीडीआर 2 और डीडीआर 3 दोनों के पिन आउट सेम ही है दोस्तों, दोनों के पिन 240 ही है और इसका जो कट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। इसकी मदद से दोस्तों अब हम पहचान सकते हैं कि ये डीडीआर 3 रैम है और इसकी जो ये जो आईसी है वो भी बॉल आईसी है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ दोस्तों ये डीडीआर 3 रैम को। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो मिडल लाइन है उसमें से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ये डीडीआर 3 का कट है। अब दोस्तों ये जो रैम के बीच में जो कट बना हुआ है उसकी मदद से और रैम के जो पिन है वो पिन की मदद से दोस्तों अब हम पहचान सकते हैं कि ये रैम एसडी रैम है या डीडीआर 1 रैम है या डीडीआर 2 रैम है या डीडीआर 3 रैम है। तो इस तरीके से दोस्तों अब हम रैम की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये एसडी रैम को P3 मदरबोर्ड के रैम स्लॉट में कैसे डालते इंस्टॉल करते वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो दोस्तों ये हमारा पुराना वाला P3 मदरबोर्ड है, इसमें ये जो रैम स्लॉट है वो एसडी रैम का रैम स्लॉट है। यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज रैम के 3.3 लिखे हुए है दोस्तों, यहाँ पे ये छोटे से अक्षर में लिखे हुए है। देखो इस रैम स्लॉट में देखो दोस्तों दो कट है, दो नोच है, तो इस दो नोच में ये दो कट है वो फिट होने चाहिए। तो इस रैम को अब मैं ये रैम स्लॉट में डालता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैंने ये जो दो कट है यहाँ पे फिट होने चाहिए, मैं इस तरीके से डाल देता हूँ, डाल दिया और यहाँ से मैं इसे लॉक कर देता हूँ। तो देखा दोस्तों मैंने एसडी रैम को कैसे एसडी रैम के P3 मदरबोर्ड में डाल दी, इंस्टॉल कर दी। तो इस तरीके से अब हम दोस्तों रैम को रैम स्लॉट में डालते हैं। अब मैं बताऊंगा दोस्तों ये DDR1 रैम को कैसे DDR1 के मदरबोर्ड में डालते हैं। ये देखो दोस्तों ये पुराना वाला P4 मदरबोर्ड है और ये इसका रैम स्लॉट है। ये रैम दोस्तों 2.5 वाट पर ऑपरेट होती है और यहाँ से इसके रैम स्लॉट में लिखा भी है। देखो दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ, तो ये 2.5 लिखा है दोस्तों। तो अब हम मैं ये रैम को ये DDR1 के मदरबोर्ड में कैसे डालते हैं वो मैं बताऊँगा दोस्तों। तो ये सबसे पहले हमने ये जो लॉक खुला हुआ है और ये जो कट बना है और ये जो कट है रैम का दोनों मैच होना चाहिए दोस्तों। तो ये मैंने ये रैम DDR1 मदरबोर्ड में डाल दी और यहाँ से इसे लॉक कर दिया। तो देखो दोस्तों इस तरीके से DDR1 के मदरबोर्ड में भी हम रैम इस तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये DDR2 रैम है, इस DDR2 रैम को हम DDR2 के ड्यूअल कोर वाले मदरबोर्ड में कैसे डालते हैं वो मैं बताऊंगा। ये दोस्तों हमारा एक ड्यूअल कोर वाला प्रोसेसर वाला मदरबोर्ड है दोस्तों। अब ये जो रैम है ये इसका रैम स्लॉट है, ये रैम स्लॉट में ये जो रैम है 1.8 वाट पर ऑपरेट होती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 1.8 वाट। इस 1.8 की मदद से दोस्तों अब हम पहचान सकते हैं कि ये DDR2 का रैम स्लॉट है। तो ये देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखा दोस्तों 1.8 लिखा है यहाँ पे, बहुत छोटे अक्षर में लिखा है, ध्यान से देखो दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये 1.8 वाट है और ये जो कट बना हुआ है और ये जो रैम का यहाँ पे कट है दोनों मैच होना चाहिए दोस्तों। अब मैं इस रैम को यहाँ के स्लॉट में डालता हूँ, रैम स्लॉट में डाल दी, अब रैम को यहाँ से लॉक करता हूँ और बाद में यहाँ से लॉक कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों दोनों साइड से लॉक हो गई। ये देखो दोस्तों ये 4GB की DDR3 रैम, ये 4GB की DDR3 रैम को DDR3 वाले मदरबोर्ड में कैसे डालते हैं अब मैं ये बताऊंगा। ये DDR3 वाला मदरबोर्ड है दोस्तों, ये पूरा एक 3 वाला
मदरबोर्ड है, ये कोराई 3, कोराई 5, कोराई 7 में चलता है दोस्तों ये मदरबोर्ड। और ये इसका रैम का रैम स्लॉट है, ये रैम 1.5 वोल्ट पर ऑपरेट होती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो दोस्तों ये लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ 1.5 वोल्ट बहुत छोटे अक्षर में लिखा है, देखा दोस्तों आपको 1.5 वोल्ट लिखा है छोटे अक्षर में, तो ये लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। तो ये 1.5 की मदद से आप पहचान सकते हो कि ये DDR3 का रैम स्लॉट है। इस रैम स्लॉट में अब मैं ये रैम डालता हूँ, और ये कट और ये कट दोनों कट मैच होने चाहिए दोस्तों। तो इसे डालता हूँ, ये डाल यहाँ से लॉक कर दिया इस रैम को। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने DDR3 वाले रैम स्लॉट में डाल दी। तो दोस्तों मैंने आज आपको इस डेस्कटॉप की रैम कैसे मदरबोर्ड में वर्क करती है वो मैंने आज आपको बताया सिखाया। इस डेस्कटॉप की रैम को हम कैसे रैम स्लॉट में डालते इंस्टॉल करते वो भी मैंने आज आपको सिखाया। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें और मेरी ये चैनल वर्ल्ड कंप्यूटर को आप सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस दोस्तों मेरे आज के वीडियो में इतना ही।